और अब बात करते हैं रीवा की, जहां के मऊगंज में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने अपने आवास में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें हाल में ही मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के प्रथम चरण के रिजल्ट के बारे में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के परिणामों से ये साफ हो चुका है कि जनता कांग्रेस के पक्ष में है। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए जिला पंचायत की एससी एसटी सीटों में काउंटिंग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार दिया और सवाल खड़ा किए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि ईवीएम के बजाय अगर मतपत्र से चुनाव कराए जाए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश से भी सफाया होना तय है। आइए आपको सुनाते हैं प्रेस वार्ता के दौरान सुखेंद्र सिंह बन्ना ने क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। बन्ना जी, ये अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं, जिसके प्रथम चरण में खासकर हमारे हनुमना और मऊगंज नई गढ़ी के चुनाव हो चुके, जिसके कुछ रिजल्ट भी आए, जिससे यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं जनाधार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। हमारे ही कई पदाधिकारी हैं, जो चाहे सरपंच हो चाहे जनपद सदस्य हो, अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराए। लेकिन विडंबना की बात यह है कि जहां तक एससी और एसटी की जिला पंचायत की सीटें, वहां पे जो काउंटिंग का विषय है, उसमें पंच और सरपंच की पहले काउंटिंग हो रही है, जनपद की और जिला पंचायत की लास्ट। अब काउंटिंग होते होते सुबह तक हो रही, सरपंच जीते, पंच जीते और वो सब अपना अपना रिजल्ट लेकर के चले गए, और वहाँ पर प्रिसाइडिंग अफसर अपने मन के चाहे जिसका रिजल्ट जो भी बना दे। तो मैं समझता हूँ जो सक्षम प्रत्याशी सामान्य सीटों पर हैं, उनकी तो व्यवस्थाएं हैं, उनको कोई दिक्कतें नहीं, लेकिन जहाँ पर एससी और एसटी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है एजेंटों की, और वो मनमानी तरीके से चाहे जो चुनाव जीत दे। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी साजिश है, और इसमें पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि चाहे जो जीता हो, पर जब रिजल्ट आएगा, जो 14 तारीख को काउंटिंग होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाएंगे, या वो जिसको चाहेंगे। इसलिए वहाँ पर एजेंट चले गए, और जो भी जिला पंचायत के बैलेट पेपर थे, प्रिसाइडिंग अफसर बैलेट पेपर ले लेकर के और मुख्यालयों में पहुँचे हैं, उसका कोई उसको देखने वाला नहीं था। ईवीएम की जगह मतपत्र का इस्तेमाल आगे होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर मतपत्र का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का रता पता चलने वाला नहीं है, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की तो बात छोड़। देखिए, आप लोग इनका विरोध नहीं करें, रोड में नहीं उतर रहे हैं आप ईवीएम के लिए? अभी तो चुनाव हो रहे हैं, एक एक व्यक्ति चुनाव में लगा हुआ है, बाकी तो आप देख रहे हो विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र हारे, हमारे यहाँ जो है तो महिला मोर्चा की संतोषी सिसोदिया जी हारी, वो भी शेख मुख्तार सिद्दीकी से हारे, पंचूला विधायक थे उनकी पत्नी हार गई सरपंची में, और किसका किसका नाम लूँ। मैं समझता हूँ कि अब आने दीजिए, बहुत सारे रिजल्ट हैं। बस जो मेरी बात थी वो हम आप सबके माध्यम से कह रहे हैं कि जो एससी और एसटी की सीटें हैं, पिछड़े वर्ग की सीटें हैं, और जिला पंचायत की जो बाद में काउंटिंग हो रही है, उसका लाभ ये जिला पंचायत में लेने का पूरा प्रयास करेंगे, ये मैं आरोप लगा रहा हूँ।